बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 में चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। बच्चों, हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करें कि बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो इसके लिए हम समझें, लिविंग थिंग्स जो होती है वो सस्टेन करती है, वो ग्रो होती है, उनमें रिप्रोडक्शन होता है। और मजेदार बात यह है कि ये सारी जो प्रोसेस है ये लिविंग थिंग्स करती है विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत। इन्हीं नॉन लिविंग कंपाउंड्स की जो स्टडी है वो बायो मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, हमारी स्टडी होगी प्रोटीन के बारे में, लिपिड्स के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला हमारा जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जैसा कि नाम से है, इट इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन्स। तो आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो इनको एक फॉर्मूले के रूप में हम ले सकते हैं CXH2OY, ये ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को। अब इसका हम कैसे करते हैं? तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम प्लांट जो है वो अपना भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। क्या प्रोसेस है वो लिखिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते हैं प्लस वाटर, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और साथ में होना चाहिए क्लोरोफिल, तो बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट यानी CXH2OY प्लस ऑक्सीजन। तो ये एक प्रोसेस है जिसके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। बच्चों, अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या सारे कार्बोहाइड्रेट्स को हम इस डेफिनेशन के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हम देखें फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड जो होता है का फॉर्मूला आप देखिए HCHO है, इसको हम लिख सकते हैं CH2O। तो ये कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है लेकिन इस फॉर्मूले के अंतर्गत हम लिख सकते हैं। इसी तरह है एसिटिक एसिड क्या होता है CH3COOH, इसको हम लिख सकते हैं C2H2O का होल ट्वाइस। तो यहां पर आपने देखा कि ना तो फॉर्मल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट है ना एसिटिक कार्बोहाइड्रेट है एसिटिक एसिड, लेकिन हम इसको इस फार्मूले के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि ये जो डिफिनीशन है ये बहुत हद तक सही नहीं है। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि रैमनोज है, एक और भी है रैमनोज, ये कार्बोहाइड्रेट है जिसका हम लिख सकते हैं C6H12O5, या एक और है डीऑक्सी राइबोज, इसको हम लोग लिखते हैं C5H10O4। अब ये जो है इसको हम इस फार्मूले के अंतर्गत नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो डिफिनीशन आपको बताई गई कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये कुछ हद तक वैलिड नहीं भी है, कई जगह ये पूरी तरह से डिफाइंड नहीं होती है। तो हम एक नई डिफिनीशन की तरफ देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को कुछ हम ऐसे डिफाइन करें, कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड एज, इसको हमने कहा कि ये पॉली, ये आपके हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन
या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो सकते हैं या कीटोनिक ग्रुप हो सकते हैं, आर अदर सब्सटेंस विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव दीज कंपाउंड। तो कार्बोहाइड्रेट की ये डिफिनेशन बनाई गई कि ये पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड हो सकते हैं या कीटोन है या कोई दूसरा सब्सटेंस जिनका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो वो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन के रूप में आ जाए, तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहें। अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अगला हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का हम कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? तो एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड्स भी कहते हैं, तो कि उनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो कितने नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स बनेंगे। तो एक हमने बनाया इसका ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इसमें पहला जो आपका बनेगा ये है मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जिनका हाइड्रोलिसिस करें तो हमें इनका हाइड्रोलिसिस एक्चुअली होता ही नहीं है कि कोई फर्दर कोई छोटी यूनिट्स नहीं बनती, उनको हम मोनो सैकेराइड्स कहेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, जिनका हम फिर से हाइड्रोलिसिस ना कर सकें उन्हें मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है। तो ये मोनोसैकेराइड्स हुए, मोनोसैकेराइड्स इसे कहते हैं जिनका हम फिर से हाइड्रोलिसिस ना कर सकें। ये सिंपलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी, तो इनको हम मोनोसैकेराइड्स कहेंगे। अच्छा, आप ये भी जानते रहिए कि मोनोसैकेराइड्स को फिर से हम दो तरह से बांटे हैं, एक एल्डोज होता है और एक कीटोज होता है। तो मोनोसैकेराइड्स को हम फिर से दो बांटों में बांटे हैं, एक एल्डोज है और एक होता है आपका कीटोज। तो एल्डोज मतलब जिसमें ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो। एल्डोज में क्या होंगे? CHO ग्रुप होगा, ये ज्यादातर कार्बन वन पोजीशन पर होता है, CHO। अब कीटोज में क्या होता है? CO पोजीशन होता है, ये सामान्यतः कार्बन टू पोजीशन पर होता है। अच्छा, एल्डोज और कीटोज को फिर से हम बांट सकते हैं, जैसे कि ट्राइओज, टेट्राओज, पेंटाओज, हेक्साओज, ठीक, हेप्टाओज, ETC में। तो इस तरह से मोनोसैकेराइड्स को क्लासिफाई किए, इनको हम फिर से बांट सकते हैं ट्राइओज, टेट्राओज, पेंटाओज, हेक्साओज और हेप्टाओज, ऐसे इनको हम फिर से बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर तीन कार्बन एटम्स है ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, सिक्स अगर कार्बन एटम तो हेक्सा और सात है तो हेप्टाओज। ठीक, तो अभी आपको हमने जो चर्चा की बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, अब उसका क्लासिफिकेशन में जो पहला क्लासिफिकेशन आपसे सामने हमने डिस्कस किया वो मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या? जिनका हम हाइड्रोलिसिस ना कर सकें, इनको फिर से हम दो पार्ट में बांटे हैं, एक एल्डोज और एक कीटोज। एल्डोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा और कीटोज में कीटोनिक ग्रुप होगा, जो कि फिर से आपको
इनको हम ट्राइओज, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, 4 है, तो टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन किए। अब दूसरा जो इसका है वो है ऑलिगोसैकेराइड्स, तो आप इसको लिख ले पहले या तो स्क्रीनशॉट ले। चलिए, तो अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं ऑलिगोसैकेराइड्स। तो बच्चों हमने जो डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले हमने कहा था मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एक तरह का क्लासिफिकेशन है। दूसरे में हमने कहा ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, जिनका अगर हाइड्रोलिसिस करें तो 2 to 10 नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। तो दूसरा आपका हम क्लासिफिकेशन इसमें ऑलिगोसैकेराइड्स। Which on hydrolysis, gives 2 to 10 number of monosaccharides unit, जिनका अगर hydrolysis करें तो 2 से 10 तक monosaccharides unit मिलेंगे। अब अगर अगर 2 ही मिले तो उसको हम डाइसैकेराइड्स, 3 मिलेंगे तो ट्राई, 4 के केस में टेट्रा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड्स इसको हम फिर से बांट सकते हैं, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन, एक तो हम इसको कह सकते हैं डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, जिनका अगर हाइड्रोलिसिस करें तो हमें 2 नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। तो इसको हम अगर डिफाइन करेंगे, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट, जैसे कि आप सुक्रोज है, एग्जाम्पल सुक्रोज, सुक्रोज का जो फार्मूला होता है C12H22O11, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें यानी वाटर से रिएक्शन कराएं, तो हम देखेंगे कि हमको एक यूनिट बनती है ग्लूकोज की और एक यूनिट बनती है फ्रक्टोज की। एक ग्लूकोज होता है और एक होता है फ्रक्टोज। बच्चों यहाँ ध्यान दें कि दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। ग्लूकोज एल्डोज होता है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और फ्रक्टोज जो आपका है वो कीटोज होता है, इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा, इसी तरह जो दूसरे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक सुक्रोज हो गया, ऐसे माल्टोज है, माल्टोज में आपके 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे आपका लैक्टोज है, लैक्टोज में एक मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज का है और एक लैक्टोज का है। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं ट्राइसैकेराइड्स। तो अगला हमारा है ट्राइसैकेराइड्स। विच ऑन, जिनका अगर हाइड्रोलिसिस हम करें ट्राइसैकेराइड्स का तो हमें 3 नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स मिलेंगे। विच ऑन हाइड्रोलिसिस give 3 units of monosaccharides। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम ट्राइसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं तो जिनका अगर हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे तो 3 मोनोसैकेराइड्स इसमें बनेंगे। इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज, इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज। तो ये हमको देगा ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस गिव, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको ग्लूकोज मिलता है 1 यूनिट, 1 यूनिट आपको फ्रक्टोज मिलेगा और 1 यूनिट आपको मिलेगा ग्लैक्टोज।
ये मिलता है हमको रेफिनोज में, जो कि एक ट्राइसेक्राइड्स। ऐसे ही एक होता है टेट्रासेक्राइड्स, जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर चार मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे। तो एक और है आपका टेट्रासेक्राइड्स, ये क्या होते हैं कि विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, जिनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमको फोर नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स मिलेंगे, फोर नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। तो चार मोनोसेक्राइड्स टेट्रासेक्राइड्स में, ये तो ट्राई था यहाँ टेट्रा है, तो इनका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको चार नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स प्राप्त होंगे। इसका एक एग्जांपल है स्टेचरिक, इसका एक एग्जांपल है स्टेचरोज, ये ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, इसमें एक यूनिट आपकी बनती है ग्लूकोज, एक यूनिट बनेगी फ्रक्टोज, प्लस टू यूनिट्स ऑफ ग्लैक्टोज, टोटल हो गए चार। तो इस तरह से आपने देखा कि सेक्राइड्स के आधार पर हमने जो उनको बांटा हाइड्रोलिसिस के आधार पर, तो एक मोनोसेक्राइड्स हो गए जिसका हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, फिर ऑलिगोसेक्राइड्स हुए, ऑलिगोसेक्राइड्स से हम जो हाइड्रोलिसिस करेंगे वो 2 to 10 नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं, अगर दो ही मिले तो डाई, तीन के केस में ट्राइसेक्राइड्स और चार के केस में टेट्रा। अब हम देखते हैं पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स बच्चों जिनका अगर हाइड्रोलिसिस करें तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट मिलेंगे। तो पॉलीसेक्राइड्स क्या है, पॉलीसेक्राइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। इसको हम लिख सकते हैं जनरल फॉर्मूले के रूप में, तो C6H10O5 की पावर n, मतलब होल पावर n, तो इसके n मॉलिक्यूल है, वेयर n इक्वल टू कितना हो सकता है, n इक्वल टू हो सकता है 100 to 3000, तो n की वैल्यू 100 से 3000 के बीच मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड्स के इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसका एग्जांपल आपका है, जैसे आपका है स्टार्च प्रोटीन सेलुलोज, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो ये आपके जो एग्जांपल्स हैं ये हम लोगों ने चर्चा की कि ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसेक्राइड्स हम कैसे इनको बांट सकते हैं। अच्छा अब हम जो दूसरा इसका जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ शुगर और नॉन शुगर के रूप में करेंगे। तो दूसरा सेकंड क्लासिफिकेशन जो इसका होगा, सेकंड क्लासिफिकेशन, वो हम लोग कर रहे हैं कि कौन सा शुगर है और नॉन शुगर। बच्चों शुगर क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि स्वाद में मीठे हो, जिनका हम अगर वाटर में करें तो सॉल्युबल हो जाएं और क्रिस्टलाइन नेचर होते हैं, तो उनको हम शुगर कहते हैं।
तो ये होते हैं स्वीट इंटेस्ट, दूसरा हम इसको कहें तो सॉल्युबल इन वाटर है, और तीसरा इसमें पॉइंट है क्रिस्टलाइन नेचर होते हैं इन नेचर। इसके एग्जाम्पल हो गए मोनोसेक्राइड्स और कुछ है हमारे डाइसेक्राइड्स के भी। तो एग्जाम्पल हो गए आपके मोनोसेक्राइड, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये ऑल अदर मोनोसेक्राइड्स एंड सम डाइसेक्राइड्स। नॉन सुगर क्या होते हैं, इसमें इसका ऑपोजिट कर दीजिए, स्वीट इन टेस्ट है तो हैव नो टेस्ट, हैव नो टेस्ट। ये नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल नहीं होते। और एमार्फस होते हैं, एमार्फस इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे प्रोटीन पॉलीसेकेराइड्स। जैसे प्रोटीन वगैरह बच्चों, एक क्लासिफिकेशन और भी है जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो हम लोग अब ये देखेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो अगला जो है थर्ड क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बच्चों रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकें उनको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है, इसमें एल्डिहाइडिक, एल्डोज, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो। तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट्स ये दोज भी लगा दीजिए, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन, सोल्यूशन जो कि टॉलरेंस रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर सके उन्हें हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा हम यहां पर एक चीज भी देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हैव हैज या तो एल्डोज हो और कीटोज ग्रुप प्रेजेंट, ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप जिसमें हो और वो टॉलरेंस ऑफ फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर सके इजीली, तो उनको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि आपका मोनोसेक्राइड्स, तो ऑल मोनोसेक्राइड्स तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स। और डाइसेक्राइड्स भी हैं, डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड में एक्सेप्ट आपका सुक्रोज, सुक्रोज में इसलिए उसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता तो ये डाइसेक्राइड्स में नहीं है, बल्कि माल्टोज है और लैक्टोज है। तो ये हो गया रिड्यूस। और जो इस प्रोसेस को ना करे यानी टॉलरेंस रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशन को ना करे उन्हें क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अदरवाइज अगर इसको ना फॉलो करे अदरवाइज तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
तो बच्चों इसमें कुछ एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम आपको इस बात को समझाएंगे। पहले आप इसे लिख लीजिए। अच्छा, तो रिड्यूसिंग शुगर को थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। बच्चों टॉलेस रिएजेंट क्या होता है? ये अमोनिकल सोल्यूशन है आप सिल्वर नाइट्रेट का। तो सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सोल्यूशन है, जब इसमें हम कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट कराते हैं तो एक सिल्वर मिरर बनता है, सिल्वर मिरर का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। कैसे होती है रिएक्शन दिखाते हैं आपको। तो टॉलेस टेस्ट का एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, टॉलेस टेस्ट एंड फेली टेस्ट टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर। तो टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग सेट का कुछ एग्जाम्पल कैसे बता रहे हैं। तो देखिए ये आपका हो गया ग्लूकोज, इसका हमने टॉलेंस रिएजेंट कराया। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका हुआ AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस करके ऐसे लिख लें प्लस 3OH-। ये जब रिएक्ट करेगा तो आपका बनाएगा, ये बनाएगा COO-CHOH का होल 4 और CH2OH प्लस 2Ag प्लस 4NH3 और प्लस 2H2O। तो ये 2Ag जो है यही वाइट प्रेसिपिटेट होता है, 2Ag का वाइट प्रेसिपिटेट, सिल्वर का वाइट प्रेसिपिटेट आता है। अच्छा एक और है फेलिंग टेस्ट में, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो होता है बच्चे, इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले लिए जैसे ग्लूकोज को, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट क्या होता है? ये फेलिंग ए और फेलिंग बी सॉल्यूशन मिलाकर बनता है। फेलिंग ए होता है आपका कॉपर सल्फेट और फेलिंग बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको रोसल सॉल्ट भी बोलते हैं। इन दोनों के इक्वल अमाउंट बनाते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पर हम आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं, तो कॉपर के कॉम्प्लेक्स होता है CU प्लस और 5OH-। तो ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CU2O का रेड प्रेसिपिटेट बनता है इसमें, रेड या ब्राउन कह सकते हैं, रेड या ब्राउन करके प्रेसिपिटेट आता है इसमें। और प्लस 5 थे तो 2 यूज हो गए तो 3H2O। बच्चों एक एक रिएक्शन और है जिसके द्वारा हम इसका टेस्ट कर सकते हैं कि रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, वो आपका है ग्लूकोसा जोन बना सकते हैं, ग्लूकोसा जोन बना सकते हैं। वो कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप इसे लिख लीजिए, ये दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद एक ग्लूकोसा जोन बनता है जो कि क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। चलिए आप इसको लिख लिए तो मैं रफ कर रहा हूँ। तो होता है फॉर्मेशन होता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसा जोन फॉर रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर के केस में हम लोग एक टेस्ट और भी कर सकते हैं, जो टॉलेंस टेस्ट किया फेलिंग किया तो हमारे पास एक और भी है ग्लूकोसा जोन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? थोड़ा देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पास है ग्लूकोस है, इसकी रिएक्शन पहले हम फेनिल हाइड्राजीन से कराते हैं। इसका फार्मूला होता है फेनिल हाइड्राजीन का, फेनिल हाइड्राजीन होता है विथ किससे कराएंगे, फेनिल फेनिल हाइड्राजीन
इसका फार्मूला याद रखिएगा बच्चों, इसका फार्मूला होता है बेंजीन रिंग के बाद NH NH2, ये है फेनिलहाइड्राजीन। तो इससे हम रिएक्शन कराएंगे, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं H2 N N H और ये बेंजीन रिंग। तो होगा क्या बच्चों, तो इससे होगा क्या कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ये वाटर निकल गया तो आपका ये बचेगा सी एच डबल बॉन्ड एन एन एच और ये आपका बेंजीन रिंग। सी सिक्स एच फाइव भी कह सकते हैं आप इसको, या इसको आप जो है सी सिक्स एच फाइव भी लिख सकते हैं बेंजीन रिंग की जगह, सी सिक्स एच फाइव ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखिए, या तो बेंजीन भी कह सकते हैं आप, सी सिक्स एच फाइव एन एच NH2 भी ले सकते हैं। तो ये आपका जाएगा CH, अच्छा इसमें चार थे तो हमने एक और हटा दिया CHOH, और CHOH का होल थ्राइस CH2OH, देखिए यहाँ पर चार थे तो हमने कम कर दिया। फिर से अगर इसकी हम रिएक्शन कराएंगे, हाँ फेनिलहाइड्राजीन, फेनिलहाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या है C6H5NH NH2, ये तो होगा क्या, एक NH2 जो है ये एक H को लेकर NH3 निकलेगा यहां से NH3, और ये एक ME निकल जाएगा C6H5NH2, ये दो चीज निकलेंगे यहां से, तो ये आपका बनेगा CH डबल बॉन्ड NNH C6H5 और C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। अब इसकी फिर रिएक्शन कराएंगे हम फेनिल हाइड्राजीन के साथ, तीन मॉलिक्यूल बच्चों इसमें यूज करते हैं, तो ये आपका हो गया C6H5NH NH2, फिर क्या होगा ये वाटर निकल जाएगा यहां से और फाइनली आपका बनेगा ग्लूकोसा जोन CH डबल बॉन्ड NNH C6H5 C डबल बॉन्ड NNH C6H5 और ये आपका आएगा सी एच ओ एच का होल थ्राइस और सी एच टू ओ एच, ये होता है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है और ग्लूकोसा जोन बनता है। बच्चों एक इस टेस्ट के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमारा रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग, तो आपके पास टॉलरेंस यूज कर सकते हैं आप, फेलिंग यूज कर सकते हैं, और ग्लूकोसा जोन रिएक्शन के द्वारा भी आप पता कर सकते हैं कि आपका जो दिया गया कार्बोहाइड्रेट है वो रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अच्छा अब एक टेस्ट और है जिसके द्वारा आप ये भी पता कर सकते हैं बच्चों कि हमारा दिया गया कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, वो है मॉलिस टेस्ट, आप इसको लिख लीजिए पहले। चलिए अब दो टेस्ट हैं इसमें मैं आपको बताऊंगा, मॉलिस टेस्ट। बच्चों इस टेस्ट का हम यूज करते हैं ये डिफाइन करने के लिए कि हमारा दिया गया कंपाउंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो इसका यूज होता है, दिस टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई दैट गिवेन कंपाउंड इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं इसका हम टेस्ट करते हैं। बच्चे इसमें करते क्या है कि आप एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और उसमें हम लोग जो है मॉलिस रिएजेंट लेते हैं। मॉलिस रिएजेंट क्या होता है, ये 1% एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्फा निप्थॉल होता है। मॉलिस रिएजेंट क्या है ये आप समझ लें कि 1% एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्फा निप्थॉल,
नेफ्थॉल होता है, तो इसमें हम लोग मिलाएंगे 1% एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल नेफ्थॉल प्लस थोड़ा सा इसमें फ्यू ड्रॉप्स कंसंट्रेट H2SO4 मिलाएंगे साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और कंसंट्रेट H2SO4 मिलाएंगे ऑन साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। जब ये मिलाएंगे तो हम देखेंगे इसको मिलाने के बाद कि एक वायलेट वायलेट रिंग बनता है ऑन सरफेस इंटरफेस ऑन द सरफेस इंटरफेस। तो एक वायलेट रिंग का बनना ये बताता है कि हमारा दिया गया कंपाउंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट। टेस्ट बहुत आसान, आप सुनिए, कार्बोहाइड्रेट आप एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए और उसमें आप 1% एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल मिलाएंगे और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 मिलाएंगे साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो एक रिंग टाइप में बनेगी वायलेट रिंग। इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारा दिया गया कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट। बच्चे एक टेस्ट और भी है जिसको हम लोग बोलते हैं बार फाइट टेस्ट। इस टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि हमारा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स है या डाइसेक्राइड्स है। इसका यूज होता है यूज टू फाइंड डिस्टिंग्विश मोनोसेक्राइड्स मोनो आर डाइसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट, कि हमारा मोनोसेक्राइड से या डाइसेक्राइड से। बच्चों टेस्ट बहुत आसान है, करना क्या है, आपको एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है। टेस्ट ट्यूब में आप कॉपर सल्फेट प्लस आप एसिटिक एसिड मिक्स कर देंगे, तो इसमें हमें दो चीज मिलाना है। तो पहले तो हम इसमें कार्बोहाइड्रेट ले लें, कार्बोहाइड्रेट प्लस साथ में हमने क्या मिलाया, कॉपर सल्फेट, और साथ में मिलाएंगे एसिटिक एसिड, फ्यू ड्रॉप एसिटिक एसिड ये मिलाएंगे। और इसके मिलाने के पास अगर हमारा रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट आता है, कौन सा प्रिसिपिटेट आएगा, अगर इसके बाद हमारा रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट ये किसका होता है, ये आपका होगा CU2 होगा। अगर ये तुरंत यानी विद इन 5 मिनट आता है, ये विद इन 5 मिनट्स के अंतर्गत 5 मिनट के अंतर्गत आ जाएगा, इसका मतलब है कि हमारा प्राइम मोनोसेक्राइड्स है, तो मोनो SA सेक्राइड्स होगा। और अगर मोर देन 10 मिनट्स लेता है, 10 मिनट्स यूज होता है, इसका मतलब है ये डाइसेक्राइड्स है, डाइसेक्राइड्स। बच्चों आज के लेक्चर में हमने समझा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और उनका कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, साथ में एक दो टेस्ट भी बताया कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दिया गया कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो मैं थोड़ा सा समराइज करके आप बताऊं कि कार्बोहाइड्रेट्स की एक जो डिफिनीशन बनाएगी, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ये कुछ जगह वैलिड नहीं हुई, तो हमने बताया मॉडर्न डिफिनीशन में कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोनिक ग्रुप या कोई ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमको ये मिल जाए तो उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हुआ, पहला हमने क्लासिफिकेशन जो है वो मोनोसेक्राइड्स ऑलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स के आधार पर किया। मोनोसेक्राइड्स क्या है, जिनका हम हाइड्रोलिसिस ना कर सकें। पॉलीसेक्राइड्स क्या है, जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 to 10 नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट बनते हैं, और ऑलिगो में, और पॉली में क्या होता है कि जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट बने। ऑलिगो के केस में फिर आप देखेंगे कि अगर 2 ही नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स बने तो डाइसेक्राइड्स, 3 अगर हो तो ट्राई, और 4 हो तो टेट्रा। बच्चों ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में कि आपको मोनोसेक्राइड्स क्या होता है, ऑलिगोसेक्राइड्स क्या है, और पॉलिगो पॉलीसेक्राइड्स क्या है। ऑलिगो का मतलब ही है अ फ्यू, मतलब कुछ संख्या में। फिर दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो सुगर और नॉन सुगर के हिसाब से बताया गया आपको, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग सुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वो कुछ कंपाउंड जैसे टॉलरेंस रिएजेंट है, फेलिंग सोल्यूशन है,
तो इनको ये रिड्यूस कर देते हैं, तो इनको हम रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। एक टेस्ट मैंने आपको और भी बताया, इसमें ओसाजोन टेस्ट कर सकते हैं, फेनिल हाइड्राजीन की रिएक्शन कराएंगे, तीन मॉलिक्यूल यूज करेंगे, तो आपका ओसाजोन बनता है, क्रिस्टलाइन नेचर होता है, ये भी डिसाइड कर देता है आपका कि दिया गया कंपाउंड हमारा रिड्यूसिंग है या ना। दो टेस्ट आपको बताए गए कि ये डिफाइन करने के लिए कि दिया गया कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो उसके लिए मोलेस टेस्ट हुआ था, उसमें आपका हमने बताया था कि दिया गया कंपाउंड को एक टेस्ट ट्यूब में रखें कार्बोहाइड्रेट को, और मतलब कंपाउंड को, और उसके बाद उसमें हम 1% सोल्यूशन ऑफ एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थॉल डालते हैं और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉपर वो कंसंट्रेट H2SO4 मिलाएंगे साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो अगर एक रिंग बन जाए वायलेट कलर की तो उससे हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट है। फिर हमने एक आपको टेस्ट और बताया जिसको बॉर्ड फायर टेस्ट कहें, इसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि प्राइमरी यानी मोनोसेक्राइड्स है कि डाइसेक्राइड्स है। अगर इस टेस्ट को हम करें इसमें कार्बोहाइड्रेट साथ कॉपर सल्फेट और एसिटिक एसिड मिलाते हैं, तो अगर ये हमारा रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट विद इन द 5 मिनट आ जाता है तो ये मोनोसेक्राइड्स हुआ, अगर 10 मिनट से ज़्यादा का समय लेता है तो फिर हम डाइसेक्राइड्स कहेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर ये आपको पसंद है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं सुझाव हैं तो जरूर दें, जिससे हम जब नेक्स्ट अपना वीडियो लेक्चर बनाएं तो उसमें उन चीज़ों को ध्यान रख करके और अच्छे से सुधार कर सकें। थैंक यू, नमस्कार।